लोकसभा चुनाव में जिन पार्टियों का सफाया हो गया, जमानतें जब्त हो गई, उन पार्टियों का मैनिफेस्टो जारी करने का औचित्य कह रहे हैं। किस आधार पर वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम ये काम करें, जबकि लोगों ने हर चुनाव में, चाहे वो निगम के चुनाव हुए हो, चाहे जींद उपचुनाव हुआ हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हुए हो, इनको रिजेक्ट किया है, इनकी जमानत जब्त की। तो देखिए, अब हुड्डा साहब की सरकार तो जेल के अंदर बनेगी, जो कुछ 5 साल उन्होंने किया है और जिसके बकायदा केस चल रहे हैं और जल्दी उनमें फैसले होने वाले हैं, तो इसलिए उनको तो तैयारी वहाँ की करनी चाहिए। नहीं, आज ये बहुत महत्वपूर्ण दर्शन हुआ जी, बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने का फैसला। बीजेपी नहीं, दुआ जी के ज्वाइन करने से बहुत है, बहुत नेता प्रसारी उनके जिन्होंने अच्छे काम किए, हमारा 5 साल में हमारा कंट्री सरकार चलाए। देखो, हम भी सरकार में थे 40 साल पहले का रहे, मैं भी सरकार में रहा है कानून से चलाने का, लेकिन जो काम अब हो रहे हैं ना, पहले काम है पर मुझे आगे उम्मीद है विश साहब की अपनी विधायक बन के फिर ये मंत्री बनेंगे, इससे और ज़्यादा काम करेंगे। 1800 काम नहीं लाए फिर उनका प्यार लाया। देखो, मैं दूसरी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, इनको टिकट मिली रिजाइन दिया, इधर से मुझे टिकट मिला, इन्होंने आगे आना था, मैंने पीछे जाना था, मैंने टिकट वापस कर दी रामदास, उसके बाद इनकी तरक्की शुरू हो गई।